तो बता दें कि पुलिस ने आंसू गैस की गोले छोड़े भीड़ को रोकने के लिए। फिलहाल हम आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं संभल से, जहां पर सर्वे की टीम मौजूद है। सर्वे लेकिन रोक दिया गया है। लगभग 7 बजे के करीब सर्वे की टीम पहुंची थी जामा मस्जिद में अंदर सर्वे करने के लिए। वीडियोग्राफी कराई गई है। हरिहर मंदिर होने की बात यहाँ पर कही जाती रही है। दावा किया गया है कि यहाँ पर मस्जिद से पहले हरिहर मंदिर था जिसको तोड़ दिया गया और ये जामा मस्जिद बनाया गया। इस तरह की तमाम बातें थी जिसके बाद याचिका डाली गई कोर्ट में। और विष्णु शंकर जैन आपको दिखाई दे रहे होंगे इस टीम में, इनकी तरफ से भी याचिका डाली गई थी। और सैयद अली ओवेस हमारे साथ में जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। ओवेस, संभल में मस्जिद के सर्वे पर भारी बवाल देखा जा रहा है जिसको देखते हुए सर्वे भी फिलहाल रोक दिया गया है। टीम कहाँ मौजूद है? अभी मस्जिद में ही मौजूद है, अभी रहेगी या चली जाएगी? क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए आपको तस्वीरों के अंदर नजर आ रहा होगा, जो स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं उसमें साफ तौर पर टीम आपको मस्जिद के बाहर नजर आ रही होगी। लेकिन जिस टाइम सर्वे करने पहुंचे तो तमाम जो लोग थे वो इकट्ठा हो गया और उनके ऊपर पथराव किया। मार पिटाई जब की जाने लगी तब अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाने की कार्रवाई शुरू की गई। और जैसे जैसे पुलिस बल इतने आना शुरू हुआ, इतने सर्वे की टीम पर जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने उठा के पथराव करना शुरू कर दिया। हालांकि पथरवी जो ये पथराव है, इस पथरवी पथराव को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को चौपट करता हुआ ये नजर आता है। अब जो अगला कदम होगा, जो आने वाली समीकरण होगी, वो कानून व्यवस्था की किस तरह देखने को संभल के अंदर मिलने वाली होगी, क्योंकि तनावपूर्ण पूरी तरह से माहौल हो चुका है। संभल एक ऐसी जगह है जहां पर लगभग 70% मुस्लिम आबादी है और जामा मस्जिद का जो मामला है, आज से पहले की अगर बात की जाए तो लगभग 4 महीने पहले भी एक सर्वे हुआ था, जो रिपोर्ट मंडलायुक्त अनंत कुमार जो मुरादाबाद के में तैनात है उनके द्वारा सर्वे कराया गया था। ये रिपोर्ट एक बार पहले भी जा चुकी है। और देखिए आनंद फानंद में ये पूरा जो मामला है, जब ये कोर्ट पहुंचा, पूरा जो एक रीट कोर्ट के अंदर दाखिल की गई, उस रीट के दौरान अचानक ही जिस दिन ये रीट दाखिल की गई उसका आदेश हो गया। आदेश होने के बाद एक कमीशन को नियुक्त कर दिया गया और फिर पूरा सर्वे एक दिन कराया गया। 29 नवंबर को इस पूरे सर्वे की रिपोर्ट पेश होनी थी, लेकिन आज 24 तारीख है, यानी कि सर्वे की रिपोर्ट पेश होने में अभी मात्र 5 दिन बचे हैं। और आज फिर दोबारा सर्वे करने के लिए टीम संभल के अंदर पहुंची, उस पर पथराव किया जाना अपने आप में कई बड़े ऐसे संकेत देता है कि मुस्लिम समुदाय के कहीं ना कहीं उस दिल पर चोट है जिसको लेकर के वो भावात्मक है। उन्होंने कानून व्यवस्था की धज्जियों को उड़ाने का वहां पर पूरी तरह से काम किया है, क्योंकि देखिए जितने भी आप नेताओं के बयान सुनेंगे, कल भी डॉक्टर शफीकुर्रहमान बरक के जो पोते हैं जो अब वहां से सांसद हैं जियाउर रहमान पर, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम कानून व्यवस्था बिल्कुल तोड़ने का काम कोई नहीं करेगा, पूरी जिम्मेदारी के साथ हम कानून पे यकीन करते हैं कि हम ये चाहते हैं कि जो फैसला कोर्ट के द्वारा किया जाएगा वो सर्वोपरि होता है, उसको माननीय होता है, हम उसको मानेंगे। और हम ऊपरी जो अदालतें हैं उनको भी दरवाजा खटखटाते हुए नजर आएंगे, हम वहां पर अपील करेंगे। यही बात पूर्व सांसद डॉक्टर एस टी हसन ने कही थी, यहाँ तक कि मौजूदा सांसद जो मुरादाबाद से हैं रुचि वीरा, उन्होंने कल साफ तौर पर बयान दिया और अपने बयान में उन्होंने कहा कि ये पूरा मामला हम पार्लियामेंट में उठाएंगे। लेकिन आज सुबह ही पूरी समीकरण चेंज हो गई और जब ये पथराव की सूचना मिलना शुरू हुई तो जब ग्राउंड जीरो पर हमारी टीम पहुंची तो वहां पर जाने के बाद पता चला कि जो पथराव हुआ है उसमें कई पुलिस वाले भी घायल हुए हैं और अभी भी माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण बना हुआ है। अतिरिक्त पुलिस बल जो है उसको बुलाया गया है। वे सभी भी चुनौती है पुलिस के सामने कि यहाँ पर शांति व्यवस्था दोबारा से बहाल करनी है, कायम करनी है। लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि जो अभी सिचुएशन है वहां पर वो कितनी मुश्किल है और किस तरह से इसको संभालना पुलिस के लिए भारी पड़ रहा होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, नजर बनाए रखिएगा। और बता दें आपको कि संभल में मस्जिद के सर्वे पर यह भारी बवाल हुआ है। ये विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि जामा मस्जिद में सर्वे हो रहा है। सर्वे का हालांकि ये दूसरा दिन है, फिलहाल सर्वे को रोक दिया गया है। जब ये जानकारी मिली है कि यहाँ पर सर्वे किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद जैसे ही भीड़ यहाँ पर बहुत ज्यादा हिंसक हुई तो उसको देखते हुए सर्वे को रोक दिया गया। संभल के थाना कोतवाली संभल क्षेत्र में एक जामा मस्जिद है। इस जामा मस्जिद पर कोर्ट के आदेश के अनुसार इसका सर्वे करवाया जा रहा था, जिसमें सर्वे शांतिपूर्वक तरीके से जामा मस्जिद के अंदर वर्तमान में चल भी रहा है।
कुछ भीड़ के कुछ लोग सडनली कई गलियों में से निकल के आए और उन्होंने पुलिस बल पर पथराव किया कुछ 10-15 सेकंड तक। उसके बाद में पुलिस ने उसका हल्का बल प्रयोग किया है, लाठी चार्ज किया है और वापस लोगों को उनके गंतव्य स्थान पर खदेड़ दिया है। सबको बताया गया है कि धारा 163 जो कि पहले पूर्व में 144 के रूप में जानी जाती थी वो लगाई गई है। कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और जिन लोगों को मुचलके में पाबंद किया गया था उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये भीड़ जिन जिन लोगों द्वारा उकसाई गई है उनके सीसीटीवी कैमरे भी निकाले जाएंगे और उन लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी जो कि जिंदगी भर याद रखेंगे। माननीय न्यायालय का यह आदेश था उसी के अनुरूप सर्वे की कार्रवाई शुरू हुई है। पिछली बार रात्रि के कारण सर्वे पूर्ण नहीं हो पाया था इसलिए आज सुबह का समय चुना गया था जिस समय नमाज भी नहीं होती है और सब कुछ शांति व्यवस्था से हो सकता है, इसलिए 7 से 11 का समय हमें दिया गया था। हालांकि वो सर्वे कल करना चाह रहे थे लेकिन हमने कहा कि जो आज का दिन है वो ठीक रहेगा तो उन्होंने फिर आज का उनको लेके आए हम सभी को। तो सर्वे बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है। यहाँ की जो जामिया कमेटी है वो भी सहयोग कर रही है क्योंकि बाहर कुछ भीड़ है जिन्होंने शरारती तौर पर उन्होंने पत्थरबाजी का प्रयास किया। तो अभी आपने यहाँ पर एसपी संभल और साथ ही डीएम को सुना है जिनकी तरफ से ये बताया गया है कि कैसे यहाँ पर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जो भी उपद्रवी इस हिंसा में शामिल हो रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। धारा यहाँ पर लगा दी गई 113 जिसके तहत अब बड़ी संख्या में यहाँ पर जो भीड़ है वो नहीं इकट्ठी हो सकती है। दूसरी तरफ डीएम भी ये बात कह रहे हैं कि यहाँ पर जो सर्वे हो रहा है दिन का वक्त इसलिए चुना गया ताकि ठीक से सर्वे हो जाए। पहले दिन यानी कि जब मंगलवार के दिन यहाँ पर सर्वे हुआ था रात के वक्त सर्वे हुआ था वो वक्त कम भी था, 2 घंटे में सर्वे पूरा करके यहाँ से टीम चली गई थी और ठीक तरीके से हो नहीं पाया, काम अधूरा था, उसको पूरा करने के लिए आज टीम फिर से वहाँ पहुँची लेकिन इसी बीच में इन हालातों का सामना पुलिसकर्मियों को करना पड़ा। मौजूद हूँ मैं जामा मस्जिद, शाही जामा मस्जिद में जो विवादित जामा मस्जिद है जो हिंदू पक्ष के लोग हरिहर मंदिर बता रहे हैं इसको लेकर के आज सर्वे हो रहा है। इसके अंदर सर्वे चल रहा है, सुबह 7:30 बजे से सर्वे बताया जा रहा चल रहा है लेकिन अभी सर्वे इस अंदर चल रहा है। इसको लेकर के जो दूसरे समुदाय के लोग हैं उनमें उनको लेकर के पुलिस से पहले नोकझोंक हुई, पुलिस ने काफ़ी प्रयास किया रोकने का समझाने का लेकिन नहीं माने तो पुलिस की तरफ से जब उन्होंने भीड़ ने पथराव शुरू किया तो पुलिस की तरफ से आंसू गोले छोड़े गए। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं यहाँ की तस्वीरें, जो पुलिस की जो यहाँ के चंदोसी तहसीलदार की गाड़ी है उसको भी पथराव किया गया था, पूरी तरीके से गाड़ी तोड़ दी गई है। मेरे पीछे जो गाड़ी खड़ी है वो तहसीलदार चंदोसी की बताई जा रही है जो कि भीड़ ने इस पर पथराव किया और उसे गाड़ी तोड़ दिया। पुलिस एसपी का कहना है कि जब तक सर्वे होगा तब तक पूरी तरीके से सर्वे किया जाएगा लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पर संभल की जामा मस्जिद पर, यहाँ पर पूरी तरीके से तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस की तरफ से भी पुख्ता इंतजाम किए गए लेकिन संभल एसपी का कहना है कि सर्वे हो रहा है इसके अंदर और सर्वे होगा चाहे अंजाम कुछ भी हो लेकिन जो जो यहाँ की जो भीड़ है जो आसपास के जो लोग हैं दूसरे समुदाय के लोग तमाम इस तरीके के तमाम माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। संभल एसपी का कहना है कि सीसीटीवी कैमरे की निगरानी की जा रही है और जो भी जिन्होंने जो भीड़ जो पथराव किया है और जो भी कुछ किया है उसको सीसीटीवी कैमरे के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी लेकिन अब इस वक्त जो जामा मस्जिद है यहाँ पर जामा मस्जिद के अंदर सर्वे टीम सर्वे कर रही है। पुलिस का कहना है कि पूरी तरीके से बल में जो जामा मस्जिद शाही जामा मस्जिद है उसके अंदर सर्वे का टीम सर्वे कर रही है और जो जामा मस्जिद के बाहर काफ़ी पुलिस फोर्स मौजूद है, जो टीम है वो इस वक्त अंदर सर्वे चल रही है। संभल से सत्यपाल यादव, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। तो बड़ी जानकारी आपको दे रही है, लगातार अपडेट दे रहे हैं। संभल में पथराव मामले में बीजेपी का बयान सामने आया है, ये बड़ी जानकारी। संभल में पथराव मामले में बीजेपी का बयान सामने आया है, आपको बता देते हैं वो बयान कि बीजेपी की तरफ से क्या बयान दिया गया है पथराव के मामले में कि कानून को हाथ में लेने वालों पर कार्रवाई होगी, जिसने भी कानून को हाथ में लिया है उस पर कार्रवाई होगी। कुछ लोगों को संविधान में विश्वास नहीं है जिस वजह से वो इस तरह के विवादों में शामिल हो जाते हैं, न्यायपालिका का आदेश सुनिश्चित होगा, ये बयान दिया गया है बीजेपी की तरफ से। कोर्ट के आदेश पर संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की टीम पहुंची थी और कोर्ट कमिश्नर की टीम पर इस प्रकार से पथराव करना यह निश्चित तौर पर यह दर्शाता है कि आपका संविधान में विश्वास नहीं है, देश की न्यायपालिका में विश्वास नहीं है, कानून व्यवस्था में विश्वास नहीं है। यह मुगलिया सल्तनत का दौर नहीं है जहां आप जोर दबाव के आधार पर किसी प्रकार की कार्रवाई कर सकते हैं। लोकतांत्रिक तरीके से आपको न्यायपालिका में विश्वास करके अपील करके अगर किसी प्रकार की आपत्ति है तो ऊपरी अदालत में जाना चाहिए।
लेकिन अगर कोई बल प्रयोग करके अगर किसी प्रकार का कब्जा स्थापित करने का प्रयास कर रहा है तो यह स्वीकार नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, कानून व्यवस्था संभालने के लिए बहुत कठोरता से कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई कानून हाथ में लेने का प्रयास करेगा तो निश्चित तौर पर कठोरता से कार्रवाई होगी। हम अपील कर रहे हैं लोग वहां पर शांति व्यवस्था बनाने का काम करें और किसी भी स्थिति में कानून को हाथ में लेने का काम न करें, जो कोर्ट के आदेश है उनका अनुपालन सुनिश्चित करें। तो देखिए, दो दावे हैं, मुस्लिम पक्ष का दावा है, हिंदू पक्ष का दावा है। हिंदू पक्ष का दावा कहता है कि यहाँ पर प्राचीन हरिहर मंदिर था और पुराने नक्शे और साक्ष्य भी मौजूद हैं, और जो नक्शा था पुराना वो हमारी टीम ने आपको दिखाया भी था टीवी स्क्रीन पर, न्यूज स्टेट के पास में वो प्राचीन नक्शा भी था जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, जो कि हरिहर मंदिर की थी। पुराने नक्शे और साक्ष्य मौजूद हैं, इसीलिए यहाँ पर ये दावा किया जाता रहा है कि मस्जिद की जगह मंदिर था। मुस्लिम पक्ष कहता है कि मुगल काल में ये मस्जिद बनाया गया था, बाबर के आदेश पर मीर बेग ने ये मस्जिद बनवाई थी, क्योंकि पूरी तरह से ASI की निगरानी में है, ASI की निगरानी में संरक्षित है, प्रोटेक्शन मिला हुआ है ASI का। ये दोनों ही पक्ष तरफ से दावे किए गए हैं। ऐसे में हिंदू पक्ष ने इस मामले को लेकर याचिका दाखिल कर दी और वही जिला कोर्ट ने इस मामले को लेकर सर्वे के आदेश दे दिए। 19 तारीख को यानी कि 19 नवंबर को यहां पर सर्वे के आदेश दिए गए थे, उसी दिन रात में सर्वे शुरू कर दिया गया। 15 सदस्य टीम पहुंची, साथ ही विष्णु शंकर जैन वहां पहुंचे, जो और याचिकाकर्ता थे वो भी पहुंचे, DMS की तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद रहे, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स आनन-फानन में तैनात कर दी गई कि किसी तरह का कोई विरोध ना हो जाए। और पहले दिन सर्वे हुआ भी, लेकिन रात का वक्त था, सर्वे ठीक से हो नहीं पाया, काम अधूरा था। ऐसे में आज का दिन फिर चुना गया, दूसरा दिन सुबह सर्वे का, सुबह का वक्त, इसीलिए ताकि ठीक से सर्वे हो जाए। सुबह सुबह का वक्त होता है तो जाहिर तौर पर विवाद की जो यहाँ पर उम्मीद थी वो कम थी कि विवाद अगर होगा भी तो सुबह के वक्त शायद ना हो, क्योंकि बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है और लगातार 3 से 4 दिन का वक्त हो गया है, एक एक एक्टिविटी पर नज़र रखे हुए हैं। तो यही आशंका थी कि शायद सुबह के वक्त इस तरह की स्थिति नहीं होगी, इसलिए सुबह सुबह तड़के 7 बजे जो टीम है वो यहाँ सर्वे के लिए पहुँच गई थी। 1-1.5 घंटे सब कुछ शांत भी रहा, लेकिन इसी बीच अचानक से बड़ी संख्या में लोग यहाँ विरोध करने के लिए पहुँच गए, वो भी ईंट पत्थरों के साथ में लोग यहां सर्वे का विरोध करने के लिए पुलिस के सामने डटे खड़े थे। पुलिस की टीम उन्हें रोकने का प्रयास करती रही, उन्हें समझाती रही, उनसे बातचीत की गई, लेकिन भीड़ ने एक ना सुनी, उसके बाद पथराव कर दिया, पुलिस की टीम को खदेड़ दिया, पुलिस की टीम ने आंसू गैस के गोले छोड़े, भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी, हवाई फायरिंग भी की गई। यहां जो टीम पुलिस की मौजूद है वो सिर्फ जो जामा मस्जिद है उसके आसपास नहीं, बल्कि जो वहाँ की गलियाँ हैं, वहाँ के जो घर हैं, मकान हैं, वहाँ पर भी ड्रोन के जरिए नज़र रखी जा रही है। पुलिसकर्मी भी तैनात हैं, हर गली पर यहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं, जो कि नज़र रखे हुए हैं कि किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो जाए। लेकिन जैसे ही यहाँ पर विवाद की जानकारी हुई, SP और DM भी बात करने के लिए भीड़ के सामने खड़े डटे नज़र आए, उन्होंने भी बात की, लेकिन भीड़ ने विरोध किया, नारेबाजी की, प्रदर्शन किया और भीड़ रुकी नहीं, थमी नहीं। उसके बाद मोर्चा संभालते हुए पुलिसकर्मी जो कि भीड़ के पीछे दौड़ते हुए नजर आए, उनको रोकने का तमाम प्रयास यहां पर उनकी तरफ से किया गया। इसके साथ ही अभी भी ये जानकारी मिल रही है कि स्थिति तनावपूर्ण ही है, ये स्थिति और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो जाती, लेकिन उससे पहले ही सर्वे को रोक दिया गया है। जब ये जानकारी मिली कि बाहर जो तनाव है वो बढ़ता जा रहा है, विरोध रुकने का नाम नहीं ले रहा है, एक तरफ तो पुलिस कर्मियों ने यहाँ पर बात की है, DMSP पहुंचे वहां पर बात करने के लिए, लेकिन भीड़ नहीं मानी। वहीं जामा मस्जिद की जो सदर है उन्होंने माइक के जरिए, स्पीकर के जरिए अपील की, लेकिन भीड़ फिर भी नहीं रुकी। तो ऐसे में फिलहाल सर्वे रोक दिया गया है, देखना होगा थोड़ी देर में हालात यहाँ पर कैसे होते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, और देखते रहिए यहाँ न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आगे की खबरों के लिए।